यहाँ पर मेरे पास चावल 1 कप है, आधा कप हमें नारियल लेना है। नारियल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और 1/4 कप उड़द डाल लेना है। चावल और उड़द दाल को हम 3 से 4 घंटे तक भिगो के रख देंगे ताकि इसमें उड़द दाल और चावल नरम भी हो जाए और फूल भी जाए। उसके साथ जब ये फूल जाएगा फिर हम नारियल को मिलाकर इस पानी को अच्छे से धोकर निकाल देंगे। फिर उसके बाद नारियल को मिलाकर इसको अच्छी तरह से पीस लें। इसको मैंने 4 घंटे से भिगो के रखा था, अब मैंने इसको धोकर इसका पानी निकाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उड़द दाल वगैरह अच्छे से फूल चुका है। अब इसमें नारियल जो आधा कप रखे थे इसको मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें अभी हम थोड़ा नमक डाल देंगे, मगर आप जब भी इसको बनाएं उसी टाइम नमक डालें और बाकी आप स्टोर करके वैसे ही रख दीजिए। अगर आप नमक डाल के फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे तो इसमें से पानी ज़्यादा निकलेगा, तो आपको जितनी ज़रूरत है उतने में ही आप नमक डालिए। ये कुछ इस तरह से होगा इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक वैसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा सा फर्मेंट हो सके। अब यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें मैंने यहाँ पर आधा कटोरी नारियल को कद्दूकस करके रखे हुए हैं, इसको डाल देंगे। इसको एकदम धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक हिलाते रहेंगे। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 अमाउंट की हरी इलायची की पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल दिया था जिसको मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है। इसको आपको इवनली फैलाना है। और यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया था और उसके अंदर मैंने कपड़े को भिगो के रखा हुआ है। अब इस बैटर को इसमें डालेंगे। अब जो मसाला हमने बनाया था इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे।
अब इसको इस तरह से एक कटोरी लेंगे जिससे हम इसको ढक देंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो हमने पानी में कपड़ा रखा था इसको निकाल कर हल्का सा निचोड़ लेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, मगर ये एकदम से गीला रहे, और इसको चारों तरफ इस बर्तन के दे देंगे। इसको आपको धीमी आंच पर ही पकाना है।